मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ हैची न्यूज में। अभी अक्षय कुमार ने कोरोना वायरस के ऊपर बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ले ली है सबकी क्लास। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो अक्षय कुमार है वो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी जाने माने अभिनेता हैं, और उस दौरान ही काफी अच्छे फिटनेस का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का वो ध्यान रखते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और शूटिंग कंप्लीट करते हैं। वैसा एक्टर अगर उनकी अगर बात करें तो काफी ज्यादा वो चीजें करते हैं जो कि हर किसी को सीखनी चाहिए। और उसी के चलते हुए आप लोग को पता है कि कोरोना वायरस अभी जो कि कनिका कपूर यानी कि बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर को अभी कोरोना वायरस हो चुका है। अभी अभी लंदन से लौटी थी और बोला जा रहा है कि उनको पहले से ही पता था, और फिर भी उन्होंने पार्टी में गई, ये गई, वो गई, और उस दौरान अभी जितने भी लोग फॉरेन कंट्री से यहाँ पर भारत में अपने घर आ रहे हैं वहां पर उनका चेकअप करवाया जा रहा है, स्कैनिंग करवाई जा रही है। स्कैनिंग के बाद अगर वहां पर नहीं भी निकलता है उनमें कोरोना वायरस तो भी उनको बोला जा रहा है कि 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली वो अपने घर के अंदर रहे, वो घर के बाहर ना निकले। पर वो लोग इस चीज को सोच नहीं रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना पीना मस्त खा रहे, इधर उधर जा रहे, कुछ लोग तो चिकन मटन छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसके चलते हुए ये एक ऐसी रेस है, कोरोना वायरस एक जगह पर खड़ा है और हमारे भारतवासी एक जगह पर खड़े हैं। अभी इसमें कौन सबसे पहले रुक जाएगा वो जीत जाएगा। और ये सब चीजें अगर आप लोगों को ये सब चीजें देखनी है तो बोलते हैं कि जान है तो जहान है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी के साथ साथ ये सब चीजें बोलते हुए अक्षय कुमार ने ये भी बोला कि ये मजाक नहीं है जितना मजाक लेके बैठे, इसको सीरियस लीजिए, घर के अंदर बैठिए और अपने आप को सेफ कीजिए सबसे पहले, बाद की बातें बाद में होती रहेंगी। गाइज आप भी ऐसा ही कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा घातक हुआ है। आपको अगर हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।